हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक फिर से स्वागत है। और यहाँ पर हम दो शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, सिगाची और टारसन। दोनों ही शेयर अभी कुछ टाइम पहले आते हुए दिखाई दिए थे, आईपीओ इनका आता हुआ दिखाई दिया था, अच्छे रिटर्न दिए और उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट। और उस गिरावट का हमें आई थिंक यहाँ से फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि शेयर ऑलरेडी 30-36% यहाँ पर डाउन हो चुके हैं और यहाँ से एक अच्छी खासी अपसाइड यहाँ पर नजर आती है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, जानते हैं उन स्टॉक से रिलेटेड क्या फंडामेंटल्स कहते हैं, कंपनी का प्रोस्पेक्टस क्या है, कंपनी कितना ग्रो कर सकती है, सब चीज से रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल जो आपका खुद का चैनल है इन्वेस्ट फॉर एवर, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ऑल की नोटिफिकेशन पर लगा लीजिए, ताकि फौरन तौर पे आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे जैसे ही वीडियो अपलोड हो। एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, 2030 तक ये शेयर आपको करोड़पति बना देगा। हिंदुस्तान फूड्स 900 पे बताया था, 2500 तक गया और 2772 के टारगेट, लगभग 42% के टारगेट अभी भी आ रहे हैं। प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए, वीडियोस को जाके देखिए, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, जितना हो सके सपोर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तभी हम आप बेहतर काम कर पाएंगे और बेहतरीन वीडियो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। और इस पर्टिकुलर नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर आपको पोर्टफोलियो क्रिएट कराना है, स्विंग ट्रेड करनी है, तो हमसे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दो स्टॉक सिगाची और टारजन प्रोडक्ट से रिलेटेड बातें करेंगे। तो सबसे पहले बिजनेस मॉडल जानना दोनों का बहुत जरूरी है। टारसन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो टारसन प्रोडक्ट इंडियन लैब वेयर कंपनी इंगेज इन द डिजाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग कंज्यूमेबल रिज्यूमेबल एंड अदर इंक्लूडिंग बेंचमार्क इक्विपमेंट यूज इन द वेरियस लेबोरेटरी अक्रॉस द। तो कंपनी करती क्या है, कंपनी लैब में देखा होगा, आप स्कूल कॉलेज में आप पढ़ते होंगे, ओके, तो यहाँ पर आपने लैब जाके देखा होगा, तो वो सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं या फिर यहाँ पर जिस ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स कौन बनाती है, यही कंपनी बनाती है। यहाँ देखेंगे बॉटल्स एंड कार्बॉय एज वेल एज सेंट्रीफ्यूज वेयर, तो यहाँ पर इतने सारे प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है और इंडिया में नंबर वन यही कंपनी है जो ये सारे के सारे प्रोडक्ट बनाती हुई दिखाई देते हैं। डाइवर्सिफाइड यहाँ पर ये पोर्टफोलियो क्रिएट करती है, ओके, काफी बेहतरीन ये कंपनी है। और ऑलरेडी पांच, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पांच इनके मैन्युफैक्चर प्लांट्स है और छठे पे ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सारे ये जो बॉटल्स आती है लैब से रिलेटेड, ये जितने भी प्रोडक्ट्स है सेल से रिलेटेड, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स कौन बनाती है, यही कंपनी बनाती हुई दिखाई देती है। तो काफी बेहतरीन यहाँ पर ये कंपनी है। इनके क्लाइंट भी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्लाइंट की गिनती यहाँ पर देखते रहिए, तो आपको यहाँ पर चीजें समझ में आएगी कि किस तरीके से कितनी बेहतरीन कंपनी है। यहाँ देखिए एंका, सीपीएफ, इमामी, ओके, गोदरेज, हिमालय, तो सारे के सारे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है ये सारे इसी से अपने प्रोडक्ट लेती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ओके, एका, लुपिन, मैनकाइंड, मैड जॉन्स, नेस्ले, यहाँ पर ऑक्सफोर्ड, पतंजलि, सन फार्मा, यहाँ पर एंकर, सीपीएफ, इमामी लिमिटेड, यहाँ पर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स किससे लेती है, टारसन से लेती है। तो टारसन एक बड़ा ब्रांड है, बड़ा नाम है, इनके प्रोडक्ट्स यूज होने ही होने हैं, चाहे अभी कोविड हर है तब भी यूज होने हैं, कोविड नहीं होगा तब भी यूज होने हैं, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री बड़ी है, ओके, साइंस की इंडस्ट्री बड़ी है, लैब से रिलेटेड ये इंडस्ट्री बड़ी है, तो ऑब्वियसली बात है ये प्रोडक्ट्स सेल आउट होने ही है। इसके अलावा यहाँ देखेंगे इंडिया इज लीडिंग लैबवेयर विद ओवर 36 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन, यहाँ पर देखिए तो अच्छा खासा, ये एक छोटी मोटी कंपनी नहीं बड़ी कंपनी है, डाइवर्सिफाइड कंपनी है बट स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैप की बात करें 3429 करोड़ की कंपनी है। और ऐसी ही कंपनी जहां पर अलग ही पोर्टफोलियो होता है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस होता है और अपने आप में लीडिंग होती है, ऐसी कंपनी यहाँ पर मिड कैप और लार्ज कैप बनती है। स्मॉल कैप है, कब मिड कैप और कब लार्ज कैप बन जाएगी आपको नहीं पता चलेगी। 24% का डेट है, डेट भी यहाँ पर कम है और 929 से शेयर यहाँ पर आके 645 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो ऑलरेडी काफी ज्यादा यहाँ पर ये शेयर यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। और यहाँ पर बात करें क्वार्टरली रिजल्ट, तो अभी सेप्टेम्बर के रिजल्ट इन्होंने अनाउंस किए हैं या नहीं, आई एम नॉट श्योर, ओके, तो यहाँ पर दे रहे, यहाँ पर ईयरली बेसिस पे भी आप देख सकते हैं, ज़्यादा यहाँ पर दे नहीं रखा है इनसे रिलेटेड, ओके, यहाँ पर बट 2019-2020 में देखेंगे तो इनकी सेल्स देख सकते हैं,
कंपनी का प्रॉफिट देख सकते हैं, कंपनी यहाँ पर प्रॉफिटेबल है, अच्छे खासे बिजनेस में है। रिजर्व्स की बात करें, कंपनी का रिजर्व्स अच्छे खासे है, बोरिंग कम है, वर्किंग प्रोग्रेस में पैसे लगा रखे हैं, और इनके एक बार रिजल्ट आने दीजिए। ओके, जैसे ही इसके रिजल्ट आएंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती दिखाई देगी। इस शेयर्स को बताने के पीछे का रीज़न यही है कि यहाँ पर ये शेयर ऑलरेडी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर बात करें, लगभग लगभग 30% के आसपास ये शेयर ऑलरेडी यहाँ पर करेक्ट हो चुका है, और जब इतना शेयर करेक्ट हो गया है तो हमें इस शेयर की तरफ नजरें बनाना चाहिए, और तब जब ये मार्केट लीडिंग है, ओके, और एक अच्छा खासा यहाँ पर ये शेयर भागता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस कंपनी की तरफ ध्यान दीजिए, टार्सन प्रोडक्ट्स अच्छा खासा करेक्ट हो गया है, और जितने भी गिरावट हो तो बाय एंड डिप्स करें, और ज़्यादा लेने से पहले एक बार रिजल्ट भी देख लीजिए, क्योंकि सून आने वाले, जैसे ही रिजल्ट आएंगे तो ये शेयर फिर दोबारा यहाँ पर अच्छे रिजल्ट पेश करेगा ही मुझे लगता है, और जैसे ही रिजल्ट पेश करेगा अच्छा खासा ये शेयर भागता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एक और पर्टिकुलर कंपनी की। ये सारे के सारे प्रोडक्ट शेयर अभी आए, ओके, तो अभी आए हैं, तो इस वजह से इनके अभी रिजल्ट ज़्यादा देने रखे। सिगाची से रिलेटेड मैंने आपको कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाई थी, तब भी बताया था, अगेन स्मॉल कैप कंपनी है, यहाँ पर देखेंगे वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ क्लोरिनेट प्रोफाइन हाइड्रोक्लोरिक। यहाँ पर ये जितनी भी केमिकल कंपनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये केमिकल कंपनी है, यहाँ पर देख सकते हैं इंडस्ट्री केमिकल कंपनी है। 3 ईयर से, मतलब 3 साल से आरओई की बात करें, 41% के आरओई ये यहाँ पर देती हुई नजर आई है। इसके अलावा मार्केट कैप की बात करें, स्मॉल कैप कंपनी है, और जिस कंपनी में आपको अच्छी खासी यहाँ पर दिखाई देता है ना, पोटेंशियल नजर आता है, वही कंपनी यहाँ पर आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है। 648 से यहाँ पर करेक्ट होकर लगभग 400 रुपये पे शेयर आ चुका है, और यहाँ पर बात करें यहाँ पर भी 24% के आसपास का डेट है। आरओसी आरओई काफ़ी बेहतरीन है, 37-38-40 का पीई पे कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है, और यहाँ पर एक बार की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता चलेगी कंपनी। देखिए, फार्मास्यूटिकल्स, फूड एंड न्यूट्रिकल्स, कॉस्मेटिक, केमिकल्स, ये सारे के सारे पर्टिकुलर सेक्टर में ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है, और एक लीडिंग कंपनी है उसमें भी अगर हम बात करें, वो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर ये भी शेयर नज़र आता है। तो यहाँ पर सिगाची एक काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर कंपनी नज़र आती है, एक बार इनकी वेबसाइट पर जाएंगे देखेंगे तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर इस कंपनी के रिलेटेड और भी कुछ पता चलेगी, एड टेस्ट एंड कंसिस्टेंसी टू योर फूड्स एंड सिगाची। तो इनके जो रिटर्न रिवेन्यू आता है मोस्टली, ये कंपनी बाहर के देशों में काम करती हुई नजर आती है, इंडिया में ये काम करती है, और बाहर के देशों में जितना काम करेगी ऑब्वियस सी बात है वहाँ से डॉलर्स में पेमेंट होती है। यहाँ पर देख सकते हैं, लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ सेलुलोज बेस्ड एक्सिपिएंट इंडस्ट्री इन इंडिया विद ओवर 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो छोटी कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से है, बट कंपनी काफ़ी ग्रोइंग और काफ़ी प्रॉमिसिंग यहाँ पर नजर आती है। डाइवर्स एंड यूज एप्लीकेशन यहाँ पर, और भी बहुत सारी चीज़ें, इंटरनेशनल फुटप्रिंट। देखिए, एक्सपोर्ट की बात करें, 60% ये अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है, प्रोडक्ट टू ग्लोबल रेगुलेटरी मार्केट 40+ कंट्री वाइड। तो अगर बात करें ज़्यादा, 60% ये एक्सपोर्ट करती है और 40% यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट में इनके रेवेन्यू आते हुए दिखाई देते हैं। तो कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर में ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है, और आने वाले टाइम में जो ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर में जो कंपनी काम कर रही है ना, ऐसी ही कंपनी यहाँ पर आपको भागती हुई दिखाई देंगी, इस चीज़ को याद रखिए, क्योंकि सारे के सारे दिग्गज बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसी चीज़ से रिलेटेड बातें कर रही है। इसके अलावा बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की देख सकते हैं, कंपनी के रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है, और अभी सितंबर के जब रिजल्ट आया था Q2 के, वो भी यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर दिखाई दिए थे। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाए थे कि इसके रिजल्ट किस तरीके से ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर दिखाई दिए थे, और यहाँ पर एक कंसिस्टेंट ग्रोथ नज़र आती है, यहाँ पर ईयरली बेसिस पर भी 101 करोड़, 129, 139, 193 करोड़ यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसी ही कंपनी जहाँ पर दिखाई दे रहा है ईयरली क्वार्टरली बेस पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसी कंपनी स्मॉल कैप मीडियम कैप बनती हुई नजर आएगी। तो याद रखिए, रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स अच्छे खासे हैं, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होगा फिर भागती हुई नजर आएगी। बोरिंग यहाँ पर देखिए 25 करोड़ के आसपास की बोरिंग है, वर्किंग प्रोग्रेस में 4 करोड़ रुपए कैश भी है कंपनी के पास, और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह अभी आया नहीं, धीरे धीरे जैसे इनके अभी दोबारा रिजल्ट आएंगे तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर अपलोड यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी। तो अगर हम सिगाची की बात करें तो ये भी काफ़ी बेहतरीन बिजनेस में, केमिकल इंडस्ट्री में, और केमिकल के स्टॉक्स आज की डेट में आज कैसे भागे थे आपको आप खुद ही देख सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, 37% की गिरावट ऑलरेडी इस पर्टिकुलर शेयर में हो चुकी है, और यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए, ये काफ़ी दिनों से यहाँ पर 20 दिसंबर से अभी तक ये केवल इसी रेंज में एक कंसोलिडेशन कर रहा है, और जब ऐसे कंसोलिडेशन होती है ना तो चीज़ें यहाँ पर ऊपर जाती हुई दिखाई देती है। सीधे यहाँ पर अगर देखें अपने ऑल टाइम हाई तक भी ये शेयर जाता है तो 39%
ओके, तो 59% तक के आसपास का यहाँ पर गेन आपको दिखाई देता है अगर ये अपने ऑल टाइम हाई पर, जो कि धीरे धीरे करके यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे भी रहा है। तो काफी बेहतरीन शेयर है, दोनों के दोनों काफी अच्छे शेयर है, अच्छे खासे 30 से 37% करेक्ट हो चुके हैं। यहाँ से इनकी तरफ नजरें बना सकते हैं, बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर रख सकते हैं, एज वेल एज कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार इस क्वार्टर के एटलीस्ट नंबर देख लीजिए और फिर उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। तो ये दोनों के दोनों शेयर टारसन प्रोडक्ट्स एज वेल एज सिगाची लीडिंग है, मार्केट में लीडिंग है, एक एक्सपोर्ट करती है प्रोडक्ट्स को, एक इंडिया में जितने भी लैब प्रोडक्ट्स है वो मोस्टली उसमें काम करती हुई दिखाई देती है। तो काफी बेहतरीन दोनों स्टॉक्स है, बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, एवरीथिंग इज गुड। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना जितना हो सके, सब्सक्राइब करना और यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियोस को जाके देखिए, चीजें समझ में आएगी, बिजनेस समझेंगे, फाइनेंशियल समझेंगे, टेक्निकल समझेंगे, तो आपके पैसे जो हमारा टारगेट होता है वो मीट होने होने हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।